और वही मुंगेली जिला की लालपुर धाम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती एवं 3 दिवसीय मेले का आयोजन लालपुर धाम में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। ये हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। 200 साल पहले जो बातें कही थी आज भी उतना ही समसामयिक है, उतना ही अनुकरणीय है। बाबा जी के रास्ते चलकर ही समाज में शांति भाईचारा स्थापना की जा सकती है। और छत्तीसगढ़ में आज जो शांति और भाईचारा दिखाई देता है उसमें बड़ा योगदान गुरु घासीदास जी का है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज अंजोरदास पाटले जी की कमी निश्चित रूप से हम सबको खल रही है। वो दिवंगत हो गए और पहली बार है कि उनके अनुपस्थिति में लालपुर में मेले का आयोजन, लेकिन अब नहीं है और लगातार सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाने में सफल रहे, चाहे अर्जुन सिंह से लेकर आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए वो जरूर यहाँ पहुँचे हैं। तो उनका बड़ा योगदान अंजोरदास पाटले जी का, उसके स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए यहाँ के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो अंजोरदास पाटले के नाम से करने की मैंने कोशिश की। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं और जीत को लेकर क्या कहेंगे? अब तो तैयारी क्या, अब तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, सारे लोग लग गए हैं, प्रत्याशी तो लगे हैं, पार्टी भी हमारी जोर शोर से, हमारे सब जनप्रतिनिधि भी विधायक मंत्री सब लोग लगे हुए हैं। और जैसे पिछले समय में 10 नगर निगम हम चुनाव जीते थे, उसी प्रकार से ये भी चुनाव जो 4 नगर निगम के हो रहे हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत के भी हो रहे हैं, उसमें हमें सफलता। यूपी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप यूपी में प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस एकजुट होकर आम जनता के मुद्दे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे महिला हो, सबके मुद्दों को लेके हम लोग चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जबरदस्त सफलता हमको यूपी में। सहायक शिक्षक अभी भी आंदोलन रहते हैं, कल सरकार के साथ वार्ता थी लेकिन फिर चलता है। अभी देखिए आज जो परिस्थितियाँ हैं उसमें एक तो स्कूल वैसे साल डेढ़ साल से बंद था और ऐसे में शिक्षकों को हड़ताल करना क्या उचित लगता है? बातचीत करना चाहिए, क्या हड़ताल करने से समस्या का हल हो जाएगा? कोरोना चुनौतीपूर्ण के देखिए अब हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना यहाँ मत आए, तीसरी जो लहर है वो दुनिया में फिर से आ चुका है, हिंदुस्तान के कुछ कुछ राज्यों में भी यहाँ दस्तक दिया है। हम तो यही प्रार्थना करें कि ये जो तीसरी लहर है हमारे छत्तीसगढ़ ना आए ताकि जनजीवन